6 किलो अवैध गांजा और एक मोटरसाइकिल सहित जयपुर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर शहर पुलिस उपायुक्त विकास शर्मा ने बताया कि जयपुर शहर में बढ़ रही है अवैध मादक पदार्थों की तस्करी। वहीं बढ़ते अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए समस्त थानाधिकारीगणों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके चलते सूचना मिलने पर बजरंग सिंह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और गोपाल सिंह भाटी सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में कैलाश जिंदर पुलिस निरीक्षक ASI द्वारा टीम गठित कर शाम मंत्रिमंडल नगर पहुंची, जहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, जिसके पैरों के बीच एक प्लास्टिक का कट्टा रखा था। वहीं पुलिस की गाड़ी को अपनी ओर आता देख अपनी बाइक से गली की ओर भागा। संदेह होने पर व्यक्ति का पीछा कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम प्रेम कुमार बताया और बक्सर बिहार हाल किराएदार मंत्रिमंडल नगर मुरलीपुरा जयपुर होना बताया। पुलिस को आता देख भागने का कारण पूछने पर व्यक्ति ने सही से जवाब नहीं दिया। वहीं संदेह होने पर व्यक्ति के पास से पुलिस ने कट्टा बरामद कर जांच करने पर करीब 6 किलो गांजा मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही युवक की बाइक भी कब्जे में ले लिया। पुलिस ने देर न करते हुए युवक को अपनी हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी से अवैध गांजा लाने और सप्लाई के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए NBC News 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।